बार फिर से एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल है ना, देखिए अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट से लेकर किचन तक महंगाई की मार साफ देखने को मिल रही है। आज मार्च के पहले ही दिन जो है वो महंगाई की मार पड़ी है। अगर साफ तौर से बात करें तो की जो कीमत है वो 1100 रुपए हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 2019 रुपए हो गई है। देखिए 50 रुपए सीधे सीधे जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर से बढ़ाए गए हैं। वही कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो वहाँ पे 350 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो देखिए सर, साफ तौर पर जो बाहर रेस्टोरेंट का खाना है उन सब चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जो है वो सीधे सारी चीजों में देखेगी। और इससे पहले भी जो देखा गया है कि कई बार जो है वो इजाफा किया गया है, बार बार जो है वो रेट बढ़े हैं। देखिए पिछले साल 4 बार गैस सिलेंडर जो थे उसके दाम बढ़े थे, उनकी के हिसाब से 50 रुपए की जो है 2022 में पहले की गई थी बढ़ोतरी, फिर उसको 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, उससे 50 रुपए बढ़ा दी गई थी। तो उनसे 4 बार हुआ था। और इस बार अगर हम देखें तो नए साल के पहले दिन ही कमर्शियल गैस सिलेंडर पर जो है वो पैसे बढ़ाए गए थे, हालांकि घरेलू गैस का कुछ नहीं थे। लेकिन अब फिर से मार्च में देखा गया है कि दोनों जगह पर जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो जो सिलेंडर जो है पहले 1000 तक मिल जाता था वही अब 1100 करेगा। कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बाकी चीजों की भी बात करें तो चीज भी महंगी होती जा रही है। महंगाई का जो झटका है वो लोगों को लगातार जो है वो लगता जा रहा है। देखिए अगर राज्य से दूसरे राज्यों में अलग अलग होती है प्राइस, लेकिन इधर सुविधा की बात करें तो हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाता है। तो उसी के चलते जो है ये उतार चढ़ाव रहता है और वही इसी तरीके से ये देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके लिए होली से पहले ये कह सकते हैं कि अभी फेस्टिवल बिल्कुल बिल्कुल है, बाहर भी जो है कमर्शलाइज अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारी स्ट्रीट जो है बंद है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों में अब दाम भी बढ़ते दिखेंगे, क्योंकि इसका असर जो है वो रेस्टोरेंट तक भी जाएगा, होटल तक भी जाएगा, वहाँ पर भी जो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं महंगाई का बहुत बड़ा झटका जो है वो देखने को मिल रहा है।